Hello, my dear audience. I hope you all are doing very well. In the second tutorial of EndNote, you will learn how you can insert your citation from EndNote to the Word file. इस पर्पस के लिए जो आप लोगों ने लाइब्रेरीज बनाई वो इस तरह से EndNote में आपके पास शो हो रही होंगी। इस पर्पस के लिए सबसे पहले आपने EndNote की फाइल को ओपन करना है, उस लाइब्रेरी को ओपन करना है जिसमें आपने अपने सारे रेफरेंसेस जो थे उनको सेव किया। यहाँ पर अगर आप फाइल का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ओपन में आपके पास वो तमाम लाइब्रेरीज शो हो जाएंगी जो आपने इस पर्पस के लिए जनरेट की। जिस लाइब्रेरी पे आपने काम करना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी आपके पास ओपन हो जाएगी। नाउ यू आर इन द सेकंड स्टेप ऑफ इंसर्टिंग दीज साइटेशन टू द वर्ड फाइल। उसके लिए आप अपनी वर्ड फाइल को ओपन करें। इसमें आपको हो सकता है एक प्रॉब्लम भी फेस करना पड़े बिकॉज MS वर्ड और EndNote के सारे वर्जन एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं होते। इस तरह है मेरे पास EndNote X3 वर्जन है तो ये MS वर्ड जो 2013 वाला वर्जन है उसके साथ कन्फिगर नहीं हुआ, 2007 के साथ वर्क कर रहा है। इसी तरह EndNote X7 जो है वो भी 2013 के साथ इस तरह से कन्फिगर नहीं होता। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप 2007 का MS वर्ड का वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास EndNote जो है इस तरह से EndNote X3 वहाँ पर उसके साथ कन्फिगर हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला स्टेप आता है दैट हाउ वी कैन इंसर्ट उस लाइब्रेरी से जो हमने जनरेट की इन द MS वर्ड फाइल। उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप MS वर्ड फाइल में ही रहें, जिस जगह पर आपने रेफरेंस को इंसर्ट करना है आप वहाँ पर कर्सर को लेके जाएं, क्लिक करें और EndNote को क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, उसको क्लिक करें तो आप EndNote लाइब्रेरी में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं सर्च करने के, आप अल्फ़ाबेटिकली भी सर्च कर सकते हैं तो ये आपके पास सारे रेफरेंसेज अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक ही जगह पर एक रेफरेंस को इंसर्ट करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए, इंसर्ट प्रेस कीजिए तो ये देखें आपका जो है रेफरेंस यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रेफरेंस खुद ब खुद आपके पूरा जो वर्ड फाइल है उसके एंड पे अरेंज होते जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा रेफरेंसेज एक ही जगह पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसी तरह से आप यहाँ पर जाके यहाँ पर सर्च करें, प्रेस द कंट्रोल बटन ऑन योर कीबोर्ड और उसके अलावा आप जो है उनको क्लिक करते जाएं। जौन जौन से रेफरेंसेज आपने इंसर्ट करने हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट का बटन प्रेस करें तो ये दोनों रेफरेंसेज जो हैं आप देखें यहाँ पर आ गए हैं और आपके डॉक्यूमेंट के नीचे भी ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते जाएंगे। EndNote लाइब्रेरी से माइक्रोसॉफ्ट में रेफरेंसेस को इंसर्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर भी आपने रेफरेंस को इंसर्ट करना है कर्सर को वहाँ ले जाकर क्लिक कीजिए, उसके बाद वापस EndNote लाइब्रेरी में चले जाएं। जौन सा रेफरेंस आपने इंसर्ट करना है उसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद दिस इज़ द ऑप्शन फॉर इंसर्ट साइटेशन, इसको क्लिक करें तो वो रेफरेंस ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और आप देखें डॉक्यूमेंट के नीचे भी उसने अपने आप को अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शॉर्ट की है व्हेन यू आर वर्किंग विद दीज टू विंडोज तो आप ऑल्ट प्लस प्रेस करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट से EndNote में आ जाएंगे और अगर आप ऑल्ट टू प्रेस करेंगे तो आप EndNote से माइक्रोसॉफ्ट में बैक चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका साइटेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यू कैन चेंज द स्टाइलिंग ऑफ द रेफरेंसेस। आपकी रेफरेंसेस की स्टाइलिंग डिपेंड करती है अपॉन द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट आप जिस तरह का प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर द पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, थीसिस के लिए और तरह से होते हैं, रिसर्च प्रपोजल्स के लिए और तरह से होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर नंबर के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर नंबरिंग आ गई और ये नीचे भी उन्होंने अपने आप को नंबरिंग के हिसाब से रीअरेंज कर लिया। आप यहाँ पर इनको अनॉटेड भी कर सकते हैं जो कि हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड था। आप जो है इसके अलावा इनको ऑथर डेट के लिहाज से भी अरेंज कर सकते हैं। इसमें आपके साथ ईयर भी आ जाएगा और साथ ऑथर का नाम आ जाएगा और दोनों जो आपके रेफरेंसेज हैं वो एक कॉलम में चले जाएंगे। इसके अलावा ये स्टाइलिंग जो है वेरी करती है फ्रॉम द वर्जन ऑफ EndNote। जो नए वर्जन हैं उसमें आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है स्टाइलिंग की, यही स्टाइलिंग लिस्ट आपको EndNote में भी मिल सकती है। जब आप न्यू रेफरेंस ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर
रेफरेंस टाइप की ऑप्शन होती है, तो यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है स्टाइलिंग की, वहाँ से भी आप रेफरेंस जनरेट करते हुए इस स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू टूवर्ड्स इंसर्टिंग साइटेशन फ्रॉम एंडनोड टू एमएस वर्ड फाइल। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिगार्डिंग एंडनोड लर्निंग। बाय बाय।